उठा के चलते हो? क्षमा कीजिए महाराज। क्यों महाराज? आपको मालूम है कि तेजपाल संस्कृत कॉलेज के रह रहे? हम कोई पंडित थोड़े हैं कि संस्कृत कॉलेज का पता रखे, किसी ब्राह्मण से पूछो। मगर महाराज, आज तो वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलसा हो रहा है। अरे भाई, मुंबई में तो ऐसे जलसे हर रोज होते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो खाली कपड़े का धंधा करते हैं, कपड़े का। आइए आइए आइए, पधारिए। क्षमा कीजिएगा, यहाँ क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलसा हो रहा है? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप आगे से जाके पूछिए। आइए आइए पधारिए। क्यों बेटा, आप लोग तो विद्यार्थी हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि तेजपाल संस्कृत कॉलेज किधर है। क्या काम? पंडित जी महाराज, अभी तो वहाँ संस्कृत का पाठ नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ और ही हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, आज वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलसा हो रहा है। इस गली से घूम के जाइए, राय मोड़ पर कॉलेज का बड़ा दरवाजा दिखाई देगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आज हमारे देश के सारे नेता यहाँ आए हुए हैं। मौलवी भाई, जल्दी से बैनर्जी भी यहाँ आए हैं। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास सदा अमर रहेगा। मिस्टर देव ह्यूम भी आए हैं। आज हिंदुस्तान की तकदीर जाग उठी है। अंदर जाकर तो देखो, आज हिंदुस्तान की तकदीर जाग रही है। नमस्ते चार दादा, कांग्रेस से मिला है। कैसी है कांग्रेस? राजू खुशी है ना? ठीक है ना? तुम सामान उठाओ हरी, तुम सामान उठाओ। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते जी। यह आपका नौकर बड़ा बुद्धू है जी। गरीबों को तो जानबूझकर इस देश में बुद्धू ही रखा जाता है। ठीक, आइए चलिए जी। चलिए, अब बताइए कांग्रेस कैसी रही? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि इस देश के अच्छे दिन आ गए। जानते हैं, वहाँ सभी प्रांतों से नेता गण आए। उन्होंने विदेशी सरकार से आत्मसत्ता का अधिकार मांगा है। लेकिन क्या वो लोग देंगे? हाजी देंगे, कैसे नहीं। आज तो ये ज्योति जली है, एक दिन ये ज्वाला बनकर ही भड़केगी। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस को एक अंग्रेज ने खड़ा किया है? जी हाँ, बिल्कुल सच। वो है श्री इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्मदाता स्टेशन मास्टर साहब। अच्छे आदमी हर देश और हर कौम में होते। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए, घर पर इंतजार कर रही हूँ मैं। नमस्ते। टिकट। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो विष्णु चमार है ना, उसकी स्त्री का देहांत हो गया। बस इतनी सी बात, जिस पर ये चमार लोग इतना शोर मचा रहे हैं। देखो देखो, राम 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 राम। धीरज धरो विष्णु, अपने इस नन्हे से बच्चे का ख्याल करो। लो, इस नन्हे से फूल का ख्याल करो विष्णु, कहीं ये गुमराह ना जाए। अच्छा, तुम घर चलो, मैं घर होकर तुम्हारे पास आता हूँ। अब तो घर जाके नहाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मुझे चमारों ने नहीं छुआ, नहीं तो ये सब कपड़े धोने पड़ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। हम ये कांग्रेस की क्या खबर सुनते हैं? क्या गोलमाल क्या है? कुछ नहीं सेठ जी, गोलमाल कुछ नहीं। देश को आजाद कराने के लिए संस्था बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, तब तो फिर मुल्क आजाद हो चुका। और आजाद हो भी तो हमें क्या फायदा? अजीब बनिया तो हर राज में सुखी है, और ये अंग्रेजों का राज हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि वो भी बनिया और हम भी बनिया, अपने को दूसरा राज नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल? अपनी जिंदगी तो इस भूखे बैल की तरह है, सब के सब बुद्धू हैं। अरे तुम घर चलो जी, मैं ईश्वरदत्त को पाठशाला से लेकर अभी आता हूँ जी। चल बे, चल बे, घूमता जान दे के माफी। चल बेटा, मलका विक्टोरिया की, हमारे लाड साहब की, आज तुम्हें हम एक गाना सुनाते हैं। क्या सुंदर अंग्रेज बहादुर, फूल बनाया है जिसके
ऊपर गाड़ी चलती नीचे बहती धारा है। अच्छा बेटा, कल हम तुम्हें एक दूसरा ना सुनाएंगे, अंग्रेजी सरकार का गुणगान सुनाएंगे। अच्छा जाओ, अब छुट्टी, जा 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 बेटा। तुम किसकी जय मना रहे थे बेटा? जी अपने नए लाट साहब। बेटा आज तुम्हें एक नई जय बताता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जय। बोलो बेटा। शाबाश शाबाश। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जय। कांग्रेस की जय। शाबाश। और पिताजी ये कौन है, कोई नया लाट साहब? बेटा तुम जानना चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारे पूर्व पुरुष कौन थे और हमारा इतिहास कहां से शुरू होता है। मेरे पास आओ बेटा, आओ। मैं ओम से ही आरंभ करता हूं क्योंकि यही ऋग्वेद का मूल मंत्र है, जहां से सभ्यता की पहली किरण प्रकाशमान होती है। मंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा परस्ता। ओम जो धरती के सीने से आग की तरह उभरा और फिर जीवन की कुठाली में पिघल के कुल्हाड़ा बन गया। लोहे के कुल्हाड़े ने दरख्त काटे, जंगल साफ किए और फिर मनुष्य ने पहली बार धरती के सीने पर हल चलाकर खेत बोए और खाने के लिए अन्न पैदा किया। फिर धरती की गोद में से सुंदर फूल निकले और जब इंसान ने जानवर सिधाए और रहने के लिए घर बनाए तो रामायण का सुनहरा युग शुरू हुआ। Thank you.
शकुनी ने पासा फेंका और इसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध। महाभारत हमारे देश का सबसे बड़ा युद्ध समझा जाता है। इसमें एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव। दोनों रिश्ते में भाई भाई थे। भाई भाई से लड़े ये बात पांडव वीर अर्जुन को पसंद न थी। इस अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कि सत्य के लिए लड़ना ही जीवन का मुख्य कर्तव्य है। श्री कृष्ण में अर्जुन ने जीवन का विराट रूप देखा। इस युद्ध का अंत हुआ विनाश। कुरुक्षेत्र की रणभूमि से लहू की नदियां बह निकली और भारत की भूमि वीरों के लहू से लाल हो गई। लहू में लिथड़ी हुई धरती एक दफा फिर जागी। पानी ने खून को धो दिया। खेतियां लहलाने लगी, औरतें घरों का काम करने लगी। किसान की मेहनत और उसका फल, नए नए शहर, पक्की इमारतें और खूबसूरत मंदिर। फिर इन मंदिरों के उच्च सभीदार में भी मतभेद पैदा हो गया और बड़े बड़े जमींदार, किसान, ब्राह्मण और शूद्र, ऊंच नीच के सवाल ने समाज की नींव को खोखला कर दिया और जनता व्याकुल हो उठी। एक महापुरुष आगे आया, सत्य, शांति और अहिंसा का देवता, गौतम बुद्ध। Thank you.
लेकिन बेटा एक दिन हमारे बौद्ध धर्म की ज्योति मध्यम पड़ने लगी। भारतीय समाज के अंदर इतनी बुराइयां पैदा हो गईं कि बाहर से हमला करने वालों के काफले आने लगे। हुन, यूनानी, पठान, मंगोली, तातारी और मुगल। आखिर में मुगलों ने हिंदुस्तान में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। अशोक के बाद अकबर ही ने किसानों की हालत को सुधारा। मुगल हिंदुस्तान में एक नया धर्म लाए, एक नया लिबास लाए, इमारतों का नया ढंग लाए। मुगलों से पहले हमारी इमारतों में ऐसे खूबसूरत गुंबद कहीं नहीं थे। गो ये लोग बाहर से आए थे लेकिन आखिर में यहीं के हो रहे। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह हमारे अपने वतन के बादशाह थे। लेकिन एक रोज उनके तहजीब व तमद्दुन का भी जवाल शुरू हो गया। मुगलिया जाहो जलाल शराब और नगमे में गर्क हो गया। शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। दरबार में रक्स जारी था, उधर हिंदुस्तान के साहिल पर पश्चिम की तरफ से एक जहाज आ रहा था। मगरूर जहाज ऊंचे ऊंचे बादबान फैलाए अपनी ताकत और घमंड के नशे में चूर झूमता हुआ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा आ रहा था। इस जहाज में पुर्तगीज आए, वलंदीज आए, फ्रांसीसी आए और आखिर में अंग्रेज आए। जनाब, हम मामूली अंग्रेज दुकानदार हैं, हुजूर को सलाम करते हैं। सरकार वाला मदार तुमको सूरत में कोठी बनाने का हक बख्शते हैं। हम हुजूर को फिर सलाम करते हैं। सूरत की कोठियों फिर ऐसी दूसरी कोठियां हिंदुस्तान के साहिलों पर आबाद हुई। उनमें पश्चिम से आने वाले दुकानदार रहने लगे। ये लोग अपने जहाजों में जहां बहुत सा नया सामान लाए थे, वहां साथ में एक नई बंदूक भी लाए थे। और जब ये बंदूक हमारी फूट के कंधे पर चढ़ के चली तो सारा हिंदुस्तान फतेह हो गया। फिर हम लोगों के साथ क्या हुआ? वही कुछ हुआ जो गुलामों के साथ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी अपने साथ भारी आर्थिक बोझ लाई। हमारे समाज का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जिस पर टैक्स ना लगाया गया हो। मछली पकड़ने वालों पर टैक्स, नील बोने वालों पर टैक्स, टैक्स जरूर दो चाहे बच्चे भूखे मर जाएं। नमक पर टैक्स, जमीन पर टैक्स। चुंगी पर टैक्स। देसी विद्यार्थी, अंग्रेजी पढ़ाई, ये नहीं चलेगा। राइट डाउन ए बी सी
सारी दुनिया जानती है हमारे कपड़े की दस्तकारी का जवाब दुनिया में कहीं नहीं था। ढाके की मलमल का पूरा थान एक अंगूठी में से गुजर जाता था यूं। यूरोप की औरतें अंग्रेजी मिलों के कपड़े की बजाय हमारी खड्डियों का बुना हुआ कपड़ा पसंद करती थीं। क्यों? समझ गया, ये इस कपड़े बुनने वाले के अंगूठे की करामात है। अच्छा, ढाके के दस्तकारों के अंगूठे काट डाले गए। और उनके खून से लंका शायर की मिलें चली और हमारे देश की सबसे बड़ी सनत को तबाह कर दिया गया। पहले कपड़ा हिंदुस्तान से बाहर जाता था, अब बाहर से हिंदुस्तान में आने लगा, मेड इन इंग्लैंड। पहले हमारी किस्मत हिंदुस्तान में बनती थी, अब इंग्लैंड में बनने लगी। तलवार और टैक्स और भारी गरीबी, बढ़ती हुई बेकारी और भूख और गहरी गुलामी। और हम रोज अपनी गुलामी का मुंह देखते हैं। पिताजी, फिर हम लड़े क्यों नहीं? कौन कहता है कि हम लड़े नहीं? बेटा, हिंदुस्तान की जनता ने हर मोड़ पर अपनी गुलामी से लड़ाई की है। हिंदुस्तान के इतिहास के हर सफे पर हिंदुस्तान के शहीदों के खून की लकीर है। हिंदुस्तान मर मर कर उभरता है, उसकी आत्मा अमर है। देश की आजादी का झंडा सबसे पहले बंगाल के सपूत नवाब सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ उठाया, मगर मीर जाफर के धोखे ने अंग्रेजों का झंडा बंगाल पर लहरा दिया। मद्रास में शेरदिल हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हार पर हार दी। लेकिन यहां भी आपस की फूट ने हमें बर्बाद कर दिया। बहादुर मराठे बालाजी बाजीराव पेशवा की सरदारी में देश के लिए मर मिटे, मगर अंग्रेजों की चालाकी ने उनमें भी फूट डाल दी। पंजाब को छोड़ के सारा हिंदुस्तान गुलाम हो गया, फिर पंजाब भी गया। बगावत की नन्ही नन्ही चिंगारियां चारों तरफ सुलगने लगी और फिर यकायक 1857 की आजादी की लड़ाई ने सारे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। 1857 का आंदोलन नए हिंदुस्तान की आजादी का पहला आंदोलन है। हम जीतेंगे। माँ, दरवाजा खोलो। हम जीतेंगे। आखिरी जीत हमारी होगी। माँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, चोट कहाँ है बेटा? यहाँ छाती पर माँ, पीठ पर नहीं। हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली खाना नहीं सीखा है। हमारे नेता तात्या टोपे, नाना साहब, महारानी झांसी, हमारे इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। माँ, आज मुझे मरने से पहले सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये आजादी की लड़ाई जो हम पे शुरू हुई है कल भी चलेगी, बरसों चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जब तक हिंदुस्तान आजाद ना हो। आजाद न हो जाए, आजाद हिंदुस्तान की जय। मेरे लाल,
हम सच्चे थे फिर हम क्यों हार गए पिताजी? बेटा हमने एका नहीं था, हमारे पास अच्छे फौजी शस्त्र नहीं थे, अंग्रेजों का फौजी प्रबंध हमसे बहुत अच्छा था, फिर भी संगठन न होने पर हम वीरों की लड़ाई लड़े, यहाँ तक कि मलिका विक्टोरिया को ऐलान करना पड़ा कि उसके बाद किसी हिंदुस्तानी राज की गद्दी नहीं छीनी जाएगी और सरकारी नौकरियों के लिए भी देसी विदेशी में कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ पिताजी? फिर अंग्रेजी राज ने राजनीतिक सभाएं बनाई, लॉर्ड कैनिंग ने बहुत से अच्छे कानून बनाए और बेटा हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन्हें बड़ी हद तक रोक दिया। लॉर्ड कैनिंग के वक्त से ही उन राजनीतिक सभाओं में हिंदुस्तानी भी चुने गए और अब देश की लड़ाई उन राजनीतिक सभाओं में लड़ी जाने लगी। लड़ाई तो तलवार से होती है पिताजी। कलम से भी होती है बेटा, यही सोचकर तो मिस्टर ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया था ताकि हिंदुस्तानी स्वतंत्रता की लड़ाई कायदों और कानून के अंदर रहकर आगे बढ़ती जाए, समझे? चारू दादा, विष्णु गांव छोड़ के जा रहा है। कहाँ? मैं क्या जानू, वो चमारों की डोली में एक काला सांप हैट पत्तून पहने आया है, वो कहता है विष्णु को मैं समंदर पार ले जाऊंगा और विष्णु भी बिल्कुल तैयार है। मैं भी तुम्हारी तरह चमार था, मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटी नहीं थी, गांव वाले ब्राह्मण मुझे धिक्कारते थे, मुझसे बातें करना तक पाप समझते थे, परंतु अब देखो, तुम भी देखो, गांव के ब्राह्मण तो क्या, डिप्टी कलेक्टर भी मुझसे हंस के बातें करता है, डिप्टी कलेक्टर भी मुझसे हंस के बातें करता है। देखो तुम लोग सब एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ दक्षिणी अफ्रीका चलो, मैं ले चलूंगा तुम लोगों को, मैं सब ठीक कर दूंगा। बात तो ठीक कहते हैं। ना बाबा ना, बाहर के सारे से घर की आधी अच्छी है। क्या अच्छी है? ये जानवरों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? इसे देखो, ये भी तो हमारी तरह अछूत है, दक्षिणी अफ्रीका जाकर इसके रंग ढंग ही बदल गए हैं, इंसान नजर आता है। हाँ विष्णु, विष्णु इंसान सिर्फ कपड़े से नहीं बल्कि अंदर की आत्मा से पहचाना जाता है। जब पेट में चूहे दौड़ रहे हो उस वक्त आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती चारू। ये तुम क्या कह रहे हो विष्णु? मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। चारूदत्त भाई, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा रामू इंसान बने? इसी गांव में रहकर जहां भगवान भी हमारी छाया से दूर रखे जाते हैं, क्या ये सब कुछ हो सकेगा? हमारा समाज सदा से ऐसा ना था विष्णु, ये जाति भेद बाद में आई है, इससे लड़ना होगा विष्णु, इससे लड़ना होगा। मगर तुम तो भाग रहे हो विष्णु। मैं तो एक मामूली चमार हूं चारू, मैं क्या लड़ूंगा, मैं तो कुली बनकर दक्षिणी अफ्रीका में अपनी रोटी का धंधा करने जा रहा हूं, अब यही लड़ाई क्या कम है? यहां रहूंगा तो जीते जी मर जाऊंगा, जिस तरह मेरी औरत बेचारी घुट घुट कर मर गई। अच्छा विष्णु जाओ, भगवान तुम्हें अच्छे दिन दिखाए। लो हम तैयार हैं। लो सामान उठा लो। ईश्वर दत्त घर का ख्याल रखना, इधर उधर घूमना नहीं, हम कांग्रेस से मुलाकात करने जा रहे हैं। कांग्रेस हर साल हिंदुस्तान की अलग अलग जातियों से अपना राष्ट्रपति चुनती और एक नया प्रोग्राम देश के सामने रखती। कांग्रेस ने कहा अपनी हुकूमत हो, अपने चुनाव हो, अपनी असेंबलियां चुनी जाएं, इंसाफ के महकमे को आजाद किया जाए, जंगल की घास पत्ती पर किसानों का अधिकार माना जाए। मेरे बेटे की तरह कांग्रेस भी बड़ी होती गई और बड़ी बड़ी मांगे मांगने लगी।
दक्षिणी अफ्रीका में हमारे भाइयों के साथ बराबरी का सलूक करो, नमक का महसूल बंद करो, अंग्रेजी फौज का बोझ हम लोग नहीं उठा सकते। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े करके सारे हिंदुस्तान की एकता पर हमला किया है। हर एक हिंदुस्तानी जिसे अपनी सभ्यता और संस्कृति से प्यार है इस मौके पर चुप नहीं रह सकता। हम 1904 का बंटवारा कभी नहीं चलने देंगे। ये जुल्म है, अत्याचार है। पिताजी, आज शहर में बंग विभाग के खिलाफ जलसा हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। ठहरो ईश्वर, ठहरो, मैं भी चलता हूं। मगर पिताजी, आप तो बीमार हैं ना? आप बीमार हैं, इस हालत में वहां जाएंगे? मेरी बीमारी देश की बीमारी से बढ़कर नहीं है जमुना। बंदे 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 बंदे, हमारा देश एक है, बंगाल को विदेशी माल हमारा देश एक है, हमारा देश एक है, हम वन विभाग को हम तकसीम बंगाल को हम वन विभाग को विदेशी माल हमारा देश एक है, हमारा देश एक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मालूम है। सरकार ने बोल दिया है वंदे मातरम का गाना मत गाओ। वंदे मातरम सरकारी गाना नहीं, ये तो जनता का मुक्ति मंत्र है। ये गाना सरकार के खिलाफ बगावत फैलाता है। अगर ये अपराध है तो आजादी भी अपराध है, अपने देश से प्यार करना भी अपराध है, खुद जिंदा रहना भी अपराध है। अरे इसको गाएगा तो जेल जाएगा। मैं इसे जरूर गाऊंगा, ये मेरे प्यारे बंगाल का गीत है। मुझे इस गीत में गुलाम कौम की जंजीरों के टूटने की झंकार सुनाई देती है। वंदे मातरम। तुम बगावत फैलाता है, जाओ तुमको 7 साल कैद, दूसरा मुकदमा। जमुना, तुम यहाँ? आप कैसे हैं? साहब, मैंने भी वंदे मातरम गाया है। अरे 4 साल की कैद, मुजमा को ले जाओ, और अब किसी ने अदालत में ताली बजाई तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट। तुम्हारा नाम? सुधा। बाप का नाम? मोहन चौबे जी, यही मेरे पिता है। हुजूर, चुप रहो। तुमने वंदे मातरम गाया? हाँ। फिर तो नहीं गाओगी? अगर तुम वादा करो कि इसे फिर नहीं गाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सुधा, कह दे बेटी, सुधा कह दे बेटा। हुजूर, ये बच्ची है, इसे कुछ मालूम नहीं। सुधा, तुझे भगवान का वास्ता, परमात्मा के लिए कहते कि वंदे मातरम तू कभी नहीं गाएगी। हुजूर, इसे माफ कर दीजिए, ये अभी ना समझ है, नन्नी मुन्नी बच्ची है। हुजूर, बोल दे सुधा, बोलती क्यों नहीं? मैं वादा करता हूँ हुजूर, मैं इसका पिता हूँ। ये तो क्या, हमारे खानदान में कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा, हमारे घर में कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा। अगर ये वंदे मातरम गाएगी तो मैं इसका होश उड़ा दूंगा। वंदे म
फिर एक हो गया और देशभक्तों की भारी जीत हुई। पंडित चारुदत्त महाराज की जय। पंडित चारुदत्त महाराज की। पंडित चारुदत्त महाराज की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्ते पुजारी जी, ये हैं हमारे गांव के नए पुजारी जिन्हें तुम बच्चा छोड़ के गए थे। जीते रहो बेटा। राम राम चारू काका, आप जेल से छूट आए हैं, प्रायश्चित करके मंदिर में आइएगा। बहुत अच्छा पुजारी जी महाराज, चलो बेटा। अरे अरे बैठो बेटा बैठो। तुमने ठीक कहा था चारू कि आदमी खाली कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। अरे उस काले साहब ने तो बड़ा धोखा दिया, और क्या बताऊं, दक्षिण अफ्रीका में तो हम लोग कुली समझे जाते रहे, जानवरों से भी बुरे। लेकिन हमारे नेताओं ने वहां बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी। अच्छा तो और क्या, इसके पहले हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता था, जैसे हम इंसान ही नहीं है। जी हाँ,
गाड़ी में, ट्राम में, बस में, गिरजा में, क्लब में काले लोग गोरों के साथ बैठ भी नहीं सकते थे। अरे भाई क्या क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल था हमारा। पर हमारे नेता ने वहां ऐसी समझदारी से लड़ाई लड़ी कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार को झुक जाना पड़ा और हार मानकर नाटाल और दूसरी जगहों पर हिंदुस्तानियों से सुलह करनी पड़ी। हाँ अच्छा, तो तुम्हारा नेता कोई बड़ा अफसर मालूम होता है? अरे नहीं हरी काका, वो तो बरिस्टर है, बरिस्टर। हाँ? हाँ तब तो वो बड़े ठाट से रहता होगा। नहीं नहीं बेटा, वो तो बड़े सीधे आदमी है, सदा सच बोलते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। अरे बड़े बड़े अंग्रेज उनकी इज्जत करते हैं। हाँ माशाल्लाह। विष्णु तुम गांधी जी के बारे में कुछ हाँ, कह रहे थे? हाँ, हाँ चारू हाँ। ये लो ये देखो, मोहनदास करमचंद गांधी सत्यवादी, अहिंसावादी, सत्याग्रही, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है तलवार के बगैर, झूठ के बगैर, नफरत के बगैर। ऐसी अजीब लड़ाई आज तक दुनिया में कहीं नहीं लड़ी गई कि लड़ने वाले के हाथ में तलवार भी नहीं और वो विजय प्राप्त कर रहे हैं। रामू की स्त्री या बेटी? भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे बेटी। उठो भाई चारू, तुम्हें कुछ ईश्वर की भी फिक्र है? ईश्वर दत्त की भी शादी हो जाएगी विष्णु। वो कब जाएगी, जल्दी कर दो ना, भाभी ने तो उसके लिए एक लड़की भी बहुत अच्छी ढूंढ रखी है। हाँ मेरे बेटे के ब्याह की अग्नि अभी ठंडी न हुई थी कि 1914 में जंग के शोले जर्मनों ने सारे यूरोप में भड़का दिए। गांधी जी ने कहा है नौजवानों को फौज में भर्ती होकर इंग्लैंड वालों की मदद करनी चाहिए। गांधी जी साहब लोगों की मदद तो कर रहे हैं लेकिन उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। विष्णु भैया, गांधी जी तो ये देखते हैं कि सत्य किधर है। गांधी जी हमेशा सत्य का साथ देते हैं। लेकिन लड़ाई में नुकसान कितना होता है ये भी तो सोचिए। कितने माओं के लाल, कितने बहनों के भाई, कितने बहुओं का सुहाग इसमें लुट जाता है। मैं तो अपने लड़के को कभी न लड़ाई में भेजूंगी। माँ, माँ हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो। ये तुमने क्या किया बेटा? हिम्मत न हारो यमुना, अपने बेटे को आशीर्वाद दो, रामू को आशीर्वाद दो। ये तो भारत के नौजवान हैं, इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। ये तो खून की होली खेलेंगे और एक नया भारत बना के ही रहेंगे। नारो पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूं। तुम देख लेना, मैं फौरन ही लौट आऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब आंसू बोल डालो। हम जैसे केले,
वाह रे हम जैसे केले का थम, वाह रे हम जैसे केले का थम, अरे वाह रे हम जैसे केले का थम। अरे क्या हुआ, क्या कुछ तरक्की मिली? अरे बधाई दे बधाई। अरे किस बात की बधाई, कुछ कहेगा भी? बिल्कुल बुद्धू है, मेरे घर में लड़का हुआ, लड़का। वाह मेरे लाल, जियो खुश रहो। अरे जियो मेरी रानी जियो। मतलब मेरे बेटा रोएगा। अरे मैं कैप्टन बना दूंगा बेटा, कैप्टन है। पहला होगा बच्चे पहला, इसलिए चहक रहे हो, अपने घर में तो आठवां है आठवां। अरे किधर जाता है? ईश्वर दत्त को ये खबर सुना के आता हूँ। अरे ठहर जा जवान, ठहर जा। चुप हो कान। ईश्वर, चोट ज्यादा तो नहीं आई? नहीं, मामूली सी। लेकिन इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम खा जान को जोखिम में डालना कौन सी अकल मिल गई? ईश्वर मेरे घर में लड़का हुआ। बधाई हो। बस बस की क्या बात है? तुम्हें तो मालूम होता है इतने से भी खुश नहीं। ये बात नहीं है रामू, माता जी चल बसी। जारी थी, हमारे सिपाही हर मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते रहे। आखिर 1919 में जर्मनों ने सुलह के लिए हथियार डाल दिया और अंग्रेजों की फतह हो गई और हिंदुस्तान के सिपाही अपने अपने घरों को लौटे। गांव गांव में लोग उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे थे। राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। सज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चरच सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, वहाँ जित सो दीजे।
के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ताज के रंग में भीजे मनवा ताज के रंग में भीजे मनवा ताज के रंग में भीजे राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे राम नाम रस पीजे मनवा 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 राम नाम रस पीजे बाबू एक पैसा दे तेरा बेटा दिए बाबू एक पैसा दे तेरा बेटा दिए बाबू एक पैसा दे तेरा बेटा दिए मंजू की माँ हेलो बेटा आ गया मान से भालो भाई आ गई आ बेटा आ गया अपने मान से भालो भाई मंजू का बेटा आगे बेटा शिवाय बेटा रामू मनवारी हो जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी खुल जाएगी जल्दी चलो जल्दी ईश्वर को कहाँ छोड़ आए हो रामू दूल्हा से सात दिन पहले बोलो बोलो रामू रुक क्यों गए डरते हो कि ये बुढ़ा सुन नहीं सकेगा मैं उसका बाप हूँ रामू मुझ में इतनी शक्ति है मैं सुन सकता हूँ रामू मैं सुन सकता हूँ कह दो कि मेरा लाल शहीद हो गया उसने देश के लिए जान दे दी उसने हिंदुस्तान की आत्मा को अमर कर दिया कह दो रामू कह दो रामू रामू बहन मैं समझती हूँ उन लोगों ने फौजी कपड़े पहन रखे होंगे और नहीं तो क्या देख लेना डबल मार्च करते हुए आएंगे और मेरे रतन को यूं फौजी सलाम करेंगे वो देखो आ रहे हैं जानकी बेटा जानकी
दुखी। मेरे ब्याह के दूसरे रोज वो चल बसे थे। जरा सोचे तो सही जानकी, मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। इतनी बड़ी जिंदगी दूसरों की सेवा में गुजार दी, ऐसा ही करना पड़ता है बेटी। सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया है, यह है वो आजादी जो जंग के बाद हमें मिल रही है। तो यह है हमारी बहादुरी का इनाम। और क्या लिखा है? अमृतसर में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर वहां के लोगों ने शोर मचाया तो उन पर गोली चलाई गई।
अछूत होकर मंदिर में घुस पाता है? शर्म नहीं आती, जान से मार डालूंगा। ब्राह्मण की लड़की होकर चमार के संग खेलती है, कितने बार तुझे मना किया? मैं चमार का बेटा नहीं हूँ, मैं पंडित चारुदत्त का पोता हूँ। पोता? बड़े आए चारुदत्त महाराज के पोते। भाग यहाँ से, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। बोल, फिर कभी इस अछूत के साथ खेलेगी? अरे अभी तक खड़ा है, भाग। क्या बात है बेटा रतन, क्या हुआ तुझे? मैं कृष्ण के साथ खेल रहा था, पुजार मुझे गाली दी। अब कहा मैं अच्छा हूँ, मैं चमार हूँ। क्या, मैं चमार का बेटा हूँ? मैं तो तुम्हारा पोता हूँ, फिर उसने जो क्यों कहा चमार का बेटा? चमार होना तो कोई गाली नहीं है रतन, ये देख तेरे विष्णु दादा चमार है, चैत्रिन से नफरत करता है। दादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ? नहीं तो बेटा। शाबाश मेरे लाल। बेटा अगर कोई अछूत है, कोई चमार का बेटा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है रतन। सब इंसान भाई भाई है, भाई भाई, समझे? देखो बेटा, वो तेरी माँ है, वो भी तेरी माँ है जिसने पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया है। वो तेरे पिता हैं, ये तेरे दादा हैं, और तू, तू पंडित चारुदत्त का पोता है। जाओ बेटा, जाओ, सबसे आशीर्वाद लो बेटा, जाओ मेरे लाल, जाओ। तू अछूत है, तू ब्राह्मण है, तू हिंदुस्तान है। आजा आजा। अरे भाई बहुत बहुत बहुत। जानकी, अरे भाई मेरे बेटे को वो किताब रोज पढ़कर सुनाया करो। जाओ बेटा, जाओ। माँ उसमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां होगी ना? हाँ। तो फिर मैं अपने दोस्त को बुला दूँ, हम सब सुनेंगे। हाँ बुला लो। जैसे ये आग विदेशी कपड़ों को जलाती है, वैसे ही ये एक दिन विदेशी सरकार को जला देगी। स्वाहा। आज ये पवित्र अग्नि हिंदुस्तान के हर चौराहे पर जल रही है, विदेशी कपड़ों की ये होली कितनी सुंदर लगती है। दादा माँ कुछ बता देना, आगे क्या हुआ? किसके आगे बेटा? जब जायन वाला बाग में गोली चली तो फिर क्या हुआ? हम उन्होंने चुप से गोली खाई और मर गए, हमने कुछ नहीं किया। मैं होता तो जरूर गोली चला देता। आओ बेटा आओ, मैं सुनाता हूँ, आओ मेरे साथ आओ। बेटा तुमने महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है ना? हाँ, हमारे देश के सबसे बड़े कवि हैं। ठीक है, गांधी जी भी उन्हें गुरुदेव कहते हैं। सबसे पहले जुल्म का विरोध गुरुदेव ने ही किया था। अंग्रेजी सरकार को एक चिट्ठी लिख भेजी थी और अपना सरकारी खिताब वापस कर दिया था। जानकी दिखाओ बेटी, ये हैं जनगण मन के कवि रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर।
जनगण मन नए हिंदुस्तान का गीत था। इस नए हिंदुस्तान ने गांधी जी के रूप में नागपुर कांग्रेस में पुराने ख्याल के नेताओं पर विजय प्राप्त की और फिर गांधी जी ने हिंदुस्तान में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने कांग्रेस का परिचय आम जनता से करा दिया और ये आंदोलन आग की तरह सारे हिंदुस्तान में फैल गया। आखिर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 1924 में गांधी जी रिहा कर दिए गए। फिर साइमन कमीशन के आने के बाद हमारे इतिहास का एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। बारदौली देने को तैयार नहीं। जमीन जब्त कर लो। कोई जमीन की बोली नहीं देता। उनके मकान जब्त कर लो। मकान की बोली देने को भी कोई तैयार नहीं। इस पठान को ले जाओ, इसे बोली दिलाओ। लड़को हमारे पास रुपया किधर है? हमको काबल कंधार से आया है। रुपया सरकार देगी, तुम साहब के साथ जाओ। बहुत अच्छा सरकार। बारडोली के किसान की सारी मांगे पूरी कर ली हैं। बोलो महात्मा गांधी की। अब 25% बढ़ोतरी नहीं देनी पड़ेगी। बोलो सरदार पटेल की। जो जमीन जब्त की गई थी वो वापस मिलेगी और जो मकान नीलाम कर लिए गए थे वो सब वापस मिलेंगे और जो फसल उजाड़ दिए गए हैं उसका पैसा मिलेगा। बोलो कांग्रेस की। इस आंदोलन में हमारे जो भाई बहन पकड़ लिए गए थे वो सब छोड़ दिए जाएंगे। बोलो महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, कांग्रेस की। आज आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठे देखकर मुझे 1885 का वो जमाना याद आ गया जबकि कांग्रेस का पहला जलसा हुआ था। अरे देख क्या रही हो, उस वक्त तो तुम पैदा भी नहीं हुई। इस वक्त सारे देश की आंखें लाहौर कांग्रेस की तरफ लगी हुई हैं, जहां ठीक बारह बजे अब से पूरे एक मिनट के बाद आजादी का झंडा लहराया जाएगा। बंदे 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 बंदे। बारह मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चले। महात्मा गांधी ने श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ नमक के कानून का विरोध कर दिया और पहली बार अंग्रेजों के वायसराय
लॉर्ड इरविन को झुककर गांधी जी से समझौता करना पड़ा। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होते ही टूटने लगा। कराची की कांग्रेस ने कौम के नौजवान शहीदों की याद में एक प्रस्ताव भी पास किया। इसी सुलह के लिए गांधी जी कांग्रेस के अकेले डेलीगेट बनकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड पहुंचकर भी वो अपने उसी लिबास में रहे, वही लंगोट, वही चप्पल, वही शाल जो वो यहाँ पहनते थे वहां भी पहनते रहे। वो इंग्लैंड जाकर भी हिंदुस्तानियों की तरह रहे। गांधी जी कॉन्फ्रेंस के बाद वापस हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आजादी की कुंजी इंग्लैंड के पास नहीं है, वो कुंजी तो हिंदुस्तान की जनता के पास है। उनके वापस आते ही अंग्रेजी नौकरशाही ने फिर जनता पर जुल्म ठाना शुरू कर दिया और कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए गए। गांधी जी को भी पकड़ लिया गया। जेल में गांधी जी को मिस्टर रेमसे मैकडोनल्ड का फैसला मिला, जिसमें अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की तरकीब निकाली थी। गांधी जी ने इसको तोड़ने के लिए मरण व्रत रख लिया है। मैं सोचता हूँ मुझे भी अपने गांव के हरिजनों को बचाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या हाल है पंडित जी महाराज? आज बापू के व्रत का चौथा दिन है। मगर पंडित जी, आप अपनी उम्र और सेहत तो देखिए, आप बीमार हैं, इस पर अनशन व्रत रख रहे हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ रामू चाचा। मैं चारुदत्त को अच्छी तरह जानता हूँ, वो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। वो गांधी जी के चेले हैं बेटा। जब तक मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए नहीं खुल जाएंगे, तब तक चावल का एक दाना भी उनके मुंह में नहीं जा सकता। मगर वो कितने बूढ़े हैं दादा, जरा सोचो तो, आज खाए पिए बिना चौथा दिन है। महात्मा जी बहुत कमजोर हो गए हैं, मगर ख्याल है कि व्रत 2-3 दिन में टूट जाएगा, क्योंकि सरकार पूना पैक्ट को मानने वाली है। ये पुजारी चारुदत्त की जान लेकर छोड़ेगा।
और जो कहीं करने को तैयार हूँ, मगर ये मेरे धर्म मर्यादा की बात है, मैं इसमें बिल्कुल मजबूर हूँ। देखिए, अगर किसी तरह राजी कर सकते हैं तो एक इंजेक्शन जरूर दे दीजिए। अगर बोटा मर गया तो इसकी मौत तेरे हाथों होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा धर्म मेरे सामने दीवार बन के खड़ा है। चारू दादा की जान लेकर छोड़ेगा, ये पुजारी नहीं रक्षक है। अगर पुट्टा मर गया तो उसकी मौत तेरे हाथ होगी। तू क्यों चुप कर भगवान, मंदिर मेरा नहीं तेरा है, तू ही बता मैं क्या करूं।
सजा हमको दे दो। हमें डिग्री मिल गई, हमें डिग्री मिल गई। अरे हरी, हाँ, कौन सी डिग्री? अदालत की? अरे नहीं, इम्तिहान की। इम्तिहान? हाँ, हमें डिग्री मिल गई। इसने कौन सा इम्तिहान पास कर लिया? चार पैसे की मिर्च दे दो। अरे हरी, हाँ, तुमने कौन सा इम्तिहान पास कर लिया? अरे हमने नहीं, हमारे रतन बाबू जी। बाबू? हाँ। भाई वाह, तुम तो कहते थे कि तुमने इम्तिहान में पास किया। अरे बुद्धू, मालिक ने इम्तिहान पास कर लिया तो समझो हमने पास किया। समझे? हम इम्तिहान में पास कर रहे। मैं चारुदत्त महाराज का चेहरा नहीं भूल सकता। दिन को, रात को, कई बार वो मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मैंने ही उनका घात किया है। कैसी बातें करते हैं आप, भला इसमें आपका क्या दोष है? ये तो होनी थी पुजारी जी, जो होके ही रही। वो तो सच है, मगर मेरा मन ठिकाने नहीं रहता। सोचता हूँ अपने पाप का कैसे प्रायश्चित करूं। अगर आप मेरी बात मान जाएं तो सारे पाप धुल सकते हैं। अगर मेरे तक कोई बात है और मैं उसे कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। आप मेरी बेटी कुसुम को अपनी बहू बना लीजिए। हालांकि ये कहने के लिए मैं कुसुम। पुजारी जी, उस मंदिर के दरवाजे की मरम्मत करवाई या नहीं? वो तो कब से टूटे पड़े हैं, अगर कोई चोर घुस गया तो बस सब साफ। क्यों बेटी, फूल लाई हो? कुसुम को मैंने हमेशा से अपनी बेटी समझा। रतन के लिए इससे अच्छी लड़की और कहाँ मिलेगी? तो मैं समझूं बात पक्की हो गई? हाँ जरूर, कुसुम मेरे घर की बहू बनेगी। इससे बढ़कर खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है? आप इस बात को बिल्कुल पक्की समझिए। हमेशा मेरी सुनते हैं। मैंने इनसे तुम्हारा प्रेम मांगा था, वो मुझे मिल गया। जी नहीं, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम की तो पूजा की जाती है। शायद किसी ने तुम्हारे प्रेम के लिए पूजा की होगी। किसने? मुझे क्या मालूम। मैं बता दूं? नहीं। बता दूं? नहीं। अच्छा तो फिर बता ही दूं। कुसुम, मैं कल बंबई जा रहा हूँ कॉलेज में भर्ती होने के लिए। मुझे मालूम है, लेकिन जाऊं कैसे? क्यों? बता दूं? नहीं नहीं। अच्छा ना सही, देखो तुम माँ का ख्याल रखना। मैं उनका ख्याल रखूंगी, पर सुनो तुम भी अपना ख्याल रखना। सुना है बंबई में पूजा के लिए बहुत सी जगह है। कुसुम, अपना मंदिर तो इसी गांव में। महात्मा डिस्पेंस साबरमती आश्रम। रतन, अरे ओ रतन, देखते यार अखबार में क्या है? किसी फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर होगी, जा यार सोने दे मुझे। अरे भाई नहीं, तो किसी ने किसी की बीवी उड़ा ली होगी, जा। अरे सुनो तो, ये अखबार कहता है कि
कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम तोड़ दिया। क्या कहा? गांधी जी कहते हैं कि जब तक आजादी ना हासिल कर लूंगा साबरमती आश्रम वापस नहीं जाऊंगा। किसी ने किसी की बीबी उड़ा ली होगी, किसी फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर होगी। हमें साबरमती आश्रम चलकर देखना चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है? अभी 4 दिन की छुट्टी भी है। अरे हाँ हाँ चलो। कल हम लोग साबरमती आश्रम से लौट आए, वहां जाकर देखा कि ब्रिटिश राज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। इसके दिन पूरे हो चुके। जो राज गांधी जी जैसे महापुरुष को जेल में डाल दे वो कितने दिनों तक चल सकता है? इस बार तो विदेशी सरकार ने गांधी जी के साथ जेल में बड़ी सख्ती की है। हरिजन सेवा के लिए पिछली बार उन्हें जेल में जो सुविधाएं हासिल थी वो उन्हें नहीं मिली। तंग आकर गांधी जी ने व्रत रखा। अब गांधी जी को व्रत के बीच में ही रिहा कर दिया है और अब वो हरिजन सेवा के लिए सारे हिंदुस्तान के दौरे पर चले गए। इस विदेशी सरकार ने कैसा अंधेर मचा रखा। अच्छा आगे पढ़ो बेटी, क्या लिखा है आगे? आगे तो कुछ नहीं लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, अब जब तू जवाब लिखेगी ना तो मेरा आशीर्वाद लिख देना, और लिखना कि विष्णु दादा की तबीयत बहुत खराब है, वो उसे बहुत याद करते हैं। अच्छा जानकी, तू घर जा बेटी, रतन आता ही होगा। मैं फिर आऊंगी रतन को लेकर। अच्छा बेटा। माँ, मैं स्टेशन से सीधा यहाँ चला आया। रतन कैसी तबीयत है दादा? अच्छा हूँ बेटा। बेटा मैं तो अब कुछ दिन का मेहमान हूँ, आज नहीं तो कल, मगर मेरी एक इच्छा है बेटा, अगर तुम उसे पूरी कर दो तो मैं सुख की नींद सो सकूंगा। जी रतन बेटा, अब तुम ब्याह कर लो, मरने से पहले मैं तुम्हारे सर पर सेहरा देखना चाहता हूं। हरिपुरा कांग्रेस के मौके पर देश ने गांधी जी के आशीर्वाद के साथ श्री सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रपति चुन लिया। दूसरे साल त्रिपुरी के मौके पर फिर डेलीगेटों ने गांधी जी की मर्जी के बगैर श्री सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का राष्ट्रपति चुन लिया। श्री सुभाष चंद्र बोस ने बीमारी की हालत में भी इस कांग्रेस में भाग लिया। नेताओं से उनका मतभेद हो गया और उन्होंने देश के सामने अपनी नई पॉलिसी रखते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
अगले साल रामगढ़ कांग्रेस के सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद चुने गए। उस वक्त सारी दुनिया में जंग का खतरा बढ़ रहा था। रामगढ़ में कांग्रेस ने इस जंग के खिलाफ अपना मशहूर प्रस्ताव पास किया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नेताओं से पूछे बगैर हिंदुस्तान को इस जंग में अपनी तरफ से शामिल कर लिया, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं ने इसका बड़ी सख्ती से विरोध किया। इस विरोध की आग को दबाने के लिए हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तानियों के बहुत से नेताओं से मिले। बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए मिस्टर क्रिप्स वापस लौट गए। सन 1942 में जनता का जोश अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उबल पड़ा। नारा लगाया, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो। फिर यही प्रस्ताव कांग्रेस ने भी पास कर दिया। और जनता ने इसे अमल करना भी शुरू कर दिया। सारे हिंदुस्तान में आजादी का जज्बा एक बेपनाह तूफान की तरह उबल पड़ा और चारों तरफ से लोग नारे लगाने लगे, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो। जिन्होंने 150 साल से आजादी की आग को अपने खून से रोशन रखा, ये हमारा
मरे पड़े, भू 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 सब मरे पड़े। हमें फौजियों से कोई मेल जोल नहीं रखना है, उन्हें किसी किस्म की मदद नहीं देनी चाहिए, उनके लिए रसद का प्रबंध भी नहीं करना है। हमें अहिंसक सत्याग्रहियों की तरह लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए। रतन का ये संदेश गांव के हर स्त्री और पुरुष के पास ले जाना होगा। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं भी नहीं, तुम दोनों मारे जाओगे। ये काम तो मुझे करना है। उनको दे देना। की कोई मदद ना करो, समझे? कोई बात पूछे तो जवाब नहीं देना। देखो हिम्मत ना हारो। रतन कहता है जीत हमारी होगी। रतन गांव में तो नहीं है, मगर उसका संदेश है जरूर कोई गांव वाला तक पहुंचाता है। मगर कौन हो सकता है, यहाँ तो कोई चिड़िया भी दम मार नहीं सकती। इस घर में कौन आता है? और कौन रहता है? और मेरा हरिया रहता है। कौन हरिया? अरे उठ, लाहक को सलाम कर। हरिया कुछ यहाँ से चल गया है, वैसे ठीक है। और तो कोई नहीं रहता यहाँ? पहले तो बहुत सारे रहते थे। कहाँ वो? सब मर गए। सब मर गए। रतन तो यहाँ नहीं आया। कौन रतन? अरे छोड़ो, ये रतन को क्या जानती होगी। चलो चले यहाँ से। राम की लाश नंगी पड़ी। हाय राम, इनके दिन में जरा भी तरस नहीं आता। अजीब फौज वाले, सर ढाक दो ना, मरे हुए का कोई अपमान करता है। हाँ
देखा नहीं जाता चाची, मैं अभी कपड़ा डाल रहा हूँ। दत्तू, नहीं दत्तू, दत्तू, बेटा लौट आ दत्तू। क्या खाया तुमने? निकालो निकालो। हुक्म आया है आगे मार्च किया जाए, लेकिन इस पगले की करतूत तो देखिए। इसने एक खत अपने बाथरूम में छुपा के रखा था। खत कहाँ है? पेट में। रतन कहाँ है? भिंडा कहाँ है? वालों ने सारे गांव में आग लगा दी है, सारा गांव जल रहा है। हमारी धरती के फूल कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जनता और जनता के नेता लड़ रहे थे, और हिंदुस्तान के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के देशभक्तों की फौज बनाकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। INA की स्थापना नेताजी का एक ऐसा कारनामा है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नेताजी के हुक्म देते ही आन की आन में हजारों लाखों हिंदुस्तानी देश की आजादी के लिए INA के झंडे के नीचे जमा हो गए, और तन मन और धन से चंद महीनों के अंदर उन्होंने एक आलिशान फौज तैयार कर डाली। यह फौज हर तरह के जंगी साजो सामान से भरपूर थी। यह जनता की अपनी फौज थी, उनका अपना झंडा था, अपना नेता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जुल्म है, ये अत्याचार है। हरकत खुदा की, हुक्म सरकार का, अनाज का दसवां हिस्सा किसानों को देना पड़ेगा। लड़ाई के लिए जरूरत है, सरकार पूरा पूरा पैसा देगी, और जो नहीं देगा जेल की हवा खाएगा। खुदा की। खेतों में काम करने वाले किसानों को पकड़कर सरकार लड़ाई में ले जा रही है। तुम्हारे घरों से अनाज ले जाकर अंग्रेज सिपाहियों को खिलाया जा रहा है। मैं कहती हूँ कि तुम लोग अब भी समझ जाओ। चंद पैसों के लालच में आकर
अनाज न बेचो। लेकिन बनिए ने अनाज का दाम बढ़ा दिया है, हमें एक साथ बहुत से रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अनाज बेच के साल भर तक खाओगे क्या? रुपए? मैं कहती हूँ तुम लोग अभी अनाज न बेचो, नहीं तो देश में अकाल पड़ जाएगा, जैसा कि बंगाल में हो रहा है। क्या बंगाल में काल पड़ रहा है? काल नहीं, महाकाल। महाकाल, आज धरती की छाती फट गई है और बंगाल भूख से तड़प रहा है। हमारे लाखों भाई बहन चावल के एक एक दाने के लिए तरसते हुए मौत के मुंह में जा रहे हैं। रतन बाबू ठीक ही कहते हैं, ये जंग हमारी नहीं है, ये सरकार हमारी नहीं है, इसके लिए हम अनाज का एक दाना भी नहीं देंगे। अगर ये हमारी अपनी सरकार होती तो इसके लिए तन मन धन सब कुछ दे देते, लेकिन इन विदेशियों के लिए नहीं। हम अपने बच्चों की रोटी छीन कर नहीं दे सकते। सारा अनाज छिपा दो, जाओ जल्दी करो। देखो सारा अनाज मंदिर में छुपा दो, जल्दी करो। सुबह तक अनाज देने के लिए सरकारी लानी आ जाएंगी, उन्हें एक दाना भी नहीं मिलना चाहिए। अधर की भी देर न करो, जल्दी जल्दी घरों से अनाज निकाल कर मंदिर में ले जाओ। चलो 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 चलो। लेकिन क्या ये सब ठीक होगा? तुम लोगों पर अत्याचार किस हद तक हो सकता है इसका अंदाजा तो तुम ही लगा सकते हो। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा गांव के नौजवानों को जेल भेजिए, लेकिन गांव के और लोग तो जिंदा रह सकेंगे? सरकार तो फौज की जरूरत पर, देश की जरूरत कुर्बान कर रही है, अनाज हमारे बच्चों के मुंह से छीन कर फौज को दिया जा रहा है। सब अनाज पहुंचा दिया गया, शाबाश दोस्त, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो है। बोलो नाच का, मेरे बंदा, बोलो मेरे बंदा, बोलो नाच का, मेरे बंदा नहीं है, बोलो नाच, मेरे बंदा। अनाज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटा। गांव वालों ने अनाज कहाँ छुपा रखा? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। शैतान की बच्ची, मुझे नहीं मालूम। बताओ अनाज कहाँ? मुझे नहीं मालूम बेटा। बताओ अनाज कहाँ? मुझे नहीं मालूम। बताओ अनाज कहाँ? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब और नहीं कहा जाता रतन, फौज वालों का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। बुढ़िया की चीख अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, उसकी पुकार गाँव वालों की पुकार है। रतन तुम क्या अभी मुझे खामोश रहने को कहते हो? हाँ दीनदयाल, ओह अच्छी बात है, तब से हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग है। मैं गांव वालों को यूं जानवरों की तरह मरते नहीं देख सकता, मैं उनको बचाऊंगा, उनको जिंदा रखूंगा, चाहे इसके लिए तुम्हारे बताए हुए रास्ते के खिलाफ ही क्यों नहीं चलना पड़े। अच्छा दोस्त अलविदा, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हेलो, अब आपका है, उड़ाओ उड़ाओ, चलो दे चलो। तुम्हें मालूम है गांव वालों ने अनाज कहां छुपा कर रखा है? मालूम है। कहां? पेट में। पेट में? ठीक ठीक बताओ नहीं तो जान से मार डालूंगा। जो कुछ मुझे मालूम था बता दिया। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ कर ले चलो। सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है। ऐ वतन वालों अंधेरा आखिरी मंजिल में है, ऐ वतन वालों अंधेरा आखिरी मंजिल में है। सुबह की जेल की दीवार क्या है, पाप की जंजीर क्या, जेल की दीवार क्या है,
पाव की जंजीर क्या, शौके आजादी अगर है दोस्त अपने दिल में है, शौके आजादी अगर है दोस्त अपने दिल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की खून का दरिया वतन की ना तूफानी बहा, मौज तूफान बोल कितनी देर अब साहिल में है, मौज तूफान बोल कितनी देर अब साहिल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की जिंदगी फांसी के तख्तों पर जिसे गाती रही, जिंदगी फांसी के तख्तों पर जिसे गाती रही, गीत वो बेचैन कितना आज अपने दिल में है, गीत वो बेचैन कितना आज अपने दिल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की बीमार हो चाची? लेकिन तेरी जान का खतरा है वे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कैसी हो चाची? बहुत अच्छी हूँ रे। मेरा एक बेटा जेल में है और दूसरा रात के अंधेरे में भटक रहा है। सिर्फ दो ही नहीं चाची, लाखों, वे सब आजादी के लिए भटक रहे हैं। अच्छा बेटा, ये अंग्रेज सरकार के जो वजीर यहाँ आए हैं वो क्या हमें आजादी देंगे? आजादी कोई देता नहीं चाची, आजादी छीनी जाती है। फिर वो यहाँ क्यों आए हैं? देश में बड़ी भारी बेचैनी है चाची, जहाजियों की बगावत ने सारे हिंदुस्तान को चौंका दिया। उधर नेताजी के सिपाहियों पर भी जो मुकदमा चल रहा है उससे भी बड़ी भारी हलचल मची है। अंग्रेज समझता है उसे समझौता करना ही होगा। इसी समझौते के लिए अंग्रेजी कैबिनेट के तीन मेंबर सर स्टफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और मिस्टर अलेक्जेंडर हिंदुस्तान रवाना किए गए, ताकि हिंदुस्तानी नेताओं से देश की आज़ादी और अंग्रेजी फौज की वापसी के बारे में आखिरी बातचीत की जा सके। ये बातचीत कई दफ़ा टूटी और टूट टूट कर फिर बन गई। आखिर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अहिंसा की ताकत के सामने झुकना ही पड़ा। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी नेताओं में समझौता हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का बंटवारा कर दिया। आज 2 बरस का हुआ। क्यों रे, तू जल्दी जल्दी बड़ा क्यों नहीं होता? 3 दिन के बाद जब तेरा बाप आएगा तो क्या कहेगा? हाँ रतन, 3 दिन के बाद रिहा होने वाला है। चाचा, तुम इसे आशीर्वाद नहीं दोगे? मैं इसके लिए दुआ मांगूंगा बेटिया। अल्लाह बच्चों पर हमेशा मेहरबान होता है। मैं हर रोज नमाज के बाद दुआ मांगता हूँ, अल्लाह इस नन्हे मुन्ने को हर आफत से महफूज रख। ये चारू दत्त के घर की बहार है।
क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है? हमारे गांव में फसाद शुरू हो गया। लेकिन हमारे गांव में मेरी इतनी उम्र होने को आई, हमारे गांव में तो कभी फसाद ना हुआ था। जमाना बहुत बुरा है चाचा, मगर ये सब एकदम कैसे हो गया? क्या ये सब जमाने का कसूर है या किसी और का? हमारी जान खतरे में है। हमें मालूम है। हमारी इज्जत खतरे में है। मैं जानता हूँ। हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। मैं समझता हूँ। उस पर भरोसा रखो, जाओ अपने जान माल की, अपनी इज्जत की, अपने घर की हिफाजत करो। बहादुरी से लड़ो बहादुरों, गाजियों, ले जाओ इन हथियारों। हाँ बचाओ, हमारा घर बार लूट लेंगे। हमें मालूम है। हमारी इज्जत खतरे में है। मैं जानता हूँ। उस पर भरोसा रखो, जाओ अपने जानो माल की, अपनी इज्जत की, अपने घर की, अपने बाल बच्चों की रक्षा करो। बहादुरी से लड़ो बहादुरों, शूरवीरों, भारत माता के सपूतों, जाओ इन हथियारों को ले जाओ। हर हर महादेव। मेरे हाथ से निकलना चाहते हो, मेरे मुट्ठी को पसंद नहीं करते। अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूं ना, मगर तुम्हें कमजोर तो बना सकता हूं। जाओ, अगर तुम्हें आजाद ही रहना है तो बेहतर है कि तुम कमजोर रहो। कमजोर रहो और अलग रहो, अलग रहो और कमजोर रहो, कमजोर रहो और अलग रहो। बचा लो पुजारी जी, अल्लाह के वास्ते, तुम्हारे भगवान के वास्ते मुझे बचा लो पुजारी जी। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ है पुजारी जी, मेरे बच्चों की दुआ ले लो पुजारी जी। वे आ गए पुजारी जी, वे आ गए, मुझे बचा लो पुजारी जी, मुझे बचा लो। पुजारी जी, आपने वो जुम्मा कुमार को देखा है? किधर गया वो? हर महादेव। लगा दे बाहर अपनी। अल्लाह हो अकबर। नहीं नहीं, ये मंदिर के पुजारी हैं। तू क्या हुआ, काफिर तो है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं तो तुम्हारे भाई बहनों ने बिगाड़ा होगा। अल्लाह हो अकबर। चलो भागो भागो। चलो बहन, उन लोगों ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला। किसने? हमारे मजहब ने। ये कैसा ईमान है, ये कैसा मजहब है, ये कैसे खुदाई? मेरा ये सीना नंगा है बहन, इसमें ये खंजर घुसा दो। ये खंजर मैंने अपनी जान की हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। जब भाई भाई का था, जब बहन की इज्जत, माँ का प्यार, गांव की मोहब्बत सब मेरे लिए हराम हो गई, तो फिर ऐसे जिंदगी से क्या? वारे वारे, तुम भाग जाओ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। अच्छा मार डालने तो? नहीं नहीं, उठो, तुमने क्या किया है जो तुम इतना से मरना चाहते हो? उठो, वो देखो वो लोग आ गए, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे,
तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता। हम बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। हम रहमू चाचा का घर जला देंगे। रहमू कहो, चाचा होगा किसी आरे गहरे का, हमारा कोई चाचा नहीं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? मैंने सुना किसी ने पुजारी को, अल्लाह बेटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस वक्त अल्लाह अल्लाह कह रहा है, उस वक्त तो कहा था जिस वक्त पुजारी के गर्दन पर छुरी चल रही थी। देखते क्या अल्लाह मेरे गांव वालों पर रहम कर, अल्लाह उनकी आंखों में रोशनी दे, अल्लाह आखिरी दम तक मेरे वतन की मोहब्बत ताजा रहे, इंसान का ईमान ताजा रहे, मोहब्बत और उल्फत पे मेरा यकीन ताजा रहे, अल्लाह तू बना रही है। ये छुरा भी बना रही मैं, एक ही बार से तेरे गले का हार पार हो जाएगा। हट जाओ कुसुम, कुसुम नहीं हटेगी, हम तुम्हें ही मार डालेंगे। हाँ ठीक है, मुझे ही मार डालो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, यहाँ से तब मेरी लाश ही हटेगी। तुम जानती हो इन लोगों ने मंदिर के पुजारी को मार डाला है, तुम्हारे अपने पिताजी को मार डाला है। जानती हूँ वो मेरे पिता थे, लेकिन रहम चाहता भी मेरे पिता के समान है। कुसुम बेटिया तू हट जा, तू हट जा यहाँ से, अगर तुझे कुछ हो गया। देखते क्या हो जी, लगा दो उसको भी एक हाथ। हाँ हाँ, इसे भी किसी का। बिटिया कुसुम, कुसुम रतन, कुसुम कुसुम रतन, कुसुम रहमू चाचा, कुसुम रामदीन, ये सब क्या हो रहा है? गांव वालों ने पुजारी को मार डाला है। देख रहे हैं मेरे बेटे, गांव वालों की करतूतों को। भाइयों, ये बच्चा तुम्हारी तरफ देख रहा है, अपने बुजुर्गों की करतूतों को देख रहा है, उनकी सभ्यता, उनके धर्म और ईमान को बड़ी हैरत से देख रहा है। इस बच्चे को निराश न करो मेरे दोस्तों, सिर्फ इसके खातिर अपने हाथ रोक लो। यह बच्चा जो हिंदुओं और मुसलमानों की लाशों से गुजरता आया है, क्या सोचेगा, ये क्या समझेगा? इसको तुमने कैसी जिंदगी दी, कैसी मौत दी, कैसे घर दिए, कैसी बहनों की इज्जत दी, कैसी माओ का प्यार दिया। मेरे दोस्तों, ये तुमसे अपना भविष्य, अपनी जिंदगी मांग रहा है, क्या तुम इसे निराश कर दोगे? बोलो बोलो। नहीं नहीं, खून की कैसी खौफनाक लहरों पर आज हमारी आजादी आई है। आज जबकि मैं आजाद हुआ हूं, ये 14 अगस्त की यादगार की रात आजादी के नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर हमारे बीच में आई है और सब लोग मस्त होकर खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन एक आदमी के दिल का सपना अभी सच्चा नहीं हुआ, वो इस खुशियों भरी रात में भी अकेला सफर कर रहा है, नोआखाली की कच्ची सड़कों पर, किसी जौहर के किनारे, किसी छप्पर के सामने दुखियों की फरियाद सुनता हुआ वह आज भी अपने सपनों की तलाश में चला जा रहा है, अकेला, बिल्कुल अकेला, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके दिल का सपना अभी सच्चा नहीं हुआ, अभी वो सफर खत्म नहीं हुआ, अभी वो आजादी नहीं आई जिसकी उसे तलाश थी, जो भूखों को रोटी, नंगों को कपड़ा, बेघरों को घर देती है, जो बहनों को इज्जत, बच्चों को तालीम और माओं को आराम देती है और हिंदू और मुसलमानों को एक करती है। इसके लिए हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है रामदीन, तुम जो किसान हो, छोड़ दो ये भाला हाथ से और जाके खेतों में हल चलाओ। इसके लिए देश को तुम्हारी जरूरत है जीवन लुहार, ये खंजर छोड़ दो
और रामदीन के लिए हल्के फल बनाओ। इसके लिए आपकी जरूरत है पंडित जी, देश को आपकी किताबों की जरूरत है। आज जब चारों तरफ लालची लोग जंग जंग कहकर पुकार रहे हैं, हमें इस जंग को खत्म कर देना है ताकि हमारे गांव में शांति आए। इसलिए इस बच्चे को जीने का मौका दो। ये बच्चा जो इंसान है, जो नया हिंदुस्तान है और जिसे अभी बहुत दूर आगे जाना है,